ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। MIM पार्टी ओवैसी साहब की हुई सरायमीर में बैठक। उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत सरायमीर में MIM पार्टी ओवैसी साहब का एक हुआ बैठक, जिसमें वासी सिद्दीकी का हुआ पार्टी से सम्मान। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अब्दुल रहमान, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता पप्पू महाप्रधान, वह नदीम आरिफ अली मुल्ला अंसारी व रितेश कुमार व इसरार अहमद राजी अहमद इत्यादि लोग शामिल रहे। निजामाबाद विधानसभा से वासी सिद्दीकी ने कहा कि मौके पर मिला तो निजामाबाद विधानसभा में इतिहास लिखूंगा। मैं नेता नहीं, आजमगढ़ निजामाबाद का बेटा हूँ। आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। विधानसभा के इलेक्शन में आजमगढ़ की किसी सीट पर हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, बावजूद उसके अगर आजमगढ़ में बीजेपी कामयाब हुई तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, इनकी नाकामी की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली। पूरे प्रदेश में हम 36 सीट पर लड़े थे, बावजूद उसके 325 सीट अगर बीजेपी जीत करके आती है तो कहीं ना कहीं ये सेकुलर पार्टियों की नाकामी है, जो हमें कहती है कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी और कांग्रेस के जो लोग हैं, उनका जो अपना मूल वोट है वो बीजेपी के साथ चला गया, हमारा जो वोट था वो समाजवादी बहुजन समाज के साथ गया, तो उसके थोड़ा बहुत किसी के 18 किसी के 45 एमएलए जीत कर गया। सच्चाई ये है कि यादव बीजेपी के साथ गया, बहुजन समाज का जो वोट था वो बीजेपी के साथ गया, कांग्रेस का जो बेस वोट था वो भी बीजेपी के साथ गया, हमारा वोट था जिन्होंने इनकी इज्जत बचाई। लोकसभा के इलेक्शन में भी वही हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दामाद की तरह हमें इज्जत तो मिलती है, लेकिन आप जानते हैं कि दामाद को कभी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। जब हिस्सा देने की बात